हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज अपन बात करने वाले हैं रेलवे जेई कट ऑफ के बारे में। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है सभी कैंडिडेट्स के लिए। मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा, बात कर रहे हैं आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन की। दो पैनल लिस्ट आए, दो पैनल के बाद फाइनली जो लास्ट है कट ऑफ, किस कैंडिडेट्स का कट ऑफ कितना गया है और स्पेशली मेरिट इंडेक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। कहीं कहीं 200 तो कहीं कहीं 250 तक मेरिट इंडेक्स बढ़ गया है। पैनल फुल हो चुका है मात्र। आप सभी को वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि एक से दो सीट बची हुई है। अगर अभी तक आपका किसी भी पैनल लिस्ट में नाम नहीं आया है तो हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट, जो लास्ट औपचारिकता बची हुई है, वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप किसी भी आरआरबी से बिलोंग करते हो, प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि कट ऑफ जारी किया गया है। मैं आपको जो पैनलिस्ट के बाद जो कट ऑफ जारी किया था उसको कंपैरिजन करके बताऊंगा जो लेटेस्ट अभी कट ऑफ जारी किया है उसके साथ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। शुरू करने से पहले एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ दोस्तों, आप तक पहुँचना चाहिए वो, प्लीज़ चैनल से जुड़े, मेरे आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है। चलो बातें बहुत हो गई, अब फटाफट आरआरबी मुजफ्फरपुर की जोन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये अपन पहुंच चुके हैं आरआरबी मुजफ्फरपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप देख सकते हैं, यहाँ पर चेक कर सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। मैं आपको बताता हूँ सभी कैंडिडेट्स कैसे हैं कट ऑफ चेक कर सकते हैं और उस नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर मैं थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ तो आपको और अच्छे से दिख पाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है CEN, जो अपना एडवर्टीजमेंट नंबर था, JEDMA, CMA, कट ऑफ मेरिट इंडेक्स ऑफ द इम्पेलेंट कैंडिडेट्स एज पर फाइनल रिजल्ट। ये जो आया है फाइनल रिजल्ट के बिहाफ पर बताया गया है सभी का कट ऑफ और मेरिट इंडेक्स भी। तो इस पर टैप कर लेते हैं और इस नोटिफिकेशन को अपन डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। तो ये आपके सामने है कट ऑफ, जो मेरिट इंडेक्स है, जो कि पैनल फर्स्ट और पैनल सेकंड में जारी किया गया था। पैनल फर्स्ट में आपको बता दूं 28 दिसंबर को आया था और पैनल टू इसी महीने 22 जनवरी को आया था। अब देख सकते हैं आप, यहाँ पर कैटेगरी नंबर वाइज दिया हुआ है, रेलवे ECR अपन जानते हैं, और पूरे के पूरे जो चार कैटेगरी है और एक सर्विस मैन है, उनके पूरे मेरिट इंडेक्स और कट ऑफ बता रखे हैं। दोस्तों मैं आपको इसी के साथ, जो मैंने वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले आपके साथ प्रॉमिस किया था कि जो DV के टाइम जो इनका कट ऑफ और जो मेरिट इंडेक्स गया था, मैं उसके साथ कंपैरिजन करके बताऊंगा। तो UR में आप ध्यान देना, UR में अपन बात कर रहे हैं कैटेगरी नंबर वन में 679 है और SC में 629, 669 और 629। पहले अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 669 और 629। अब यहाँ पर देखिए आप, ये DV के समय का है, यहाँ पर 578 और SC का 419। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है और कितने जो मेरिट इंडेक्स है वो कितना ज़्यादा बढ़ा है, 679 और यहाँ पर 619, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 200 नंबर बढ़े हैं और यहाँ पर 100 जो मेरिट इंडेक्स है वो बढ़ा है। अब अपन वापस चलते हैं वहाँ पर, अब कैटेगरी नंबर सेकंड में देखिए आप, यहाँ पर है 690 और यहाँ पर है 634। अब देख सकते हैं आप, अपन लिख लेते हैं यहाँ पर 690 और 634 कैटेगरी नंबर टू में। अब यहाँ पर देखिए आप, कैटेगरी नंबर टू में 589 और 414, यहाँ पर 414 और यहाँ पर 589, यहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेटली 100 नंबर का जो मेरिट इंडेक्स है वो बढ़ा है और यहाँ पर भी 200। तो आप देख सकते हैं कि जो फाइनल कट ऑफ आया है बहुत ही ज़्यादा उसमें उछाल देखने को मिला है। अब तीसरे नंबर, अपनी जो तीसरी कैटेगरी है उसमें देख लेते हैं अपन, कैटेगरी नंबर 311, 412 और 419, यहाँ पर देखिए 611 और 419, आप देख सकते हैं यहाँ पर 567, 664 और 356। तो दोस्तों हर एक कैटेगरी में आप देख सकते हैं जो पूरा का पूरा SC हो, ST हो, UR हो, बहुत ज़्यादा नंबर कम तो नहीं, पर आपको हर जगह ज़्यादा ही नंबर देखने को मिलेंगे। जो मेरिट इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें मात्र एक या दो ही सीट बची है। जो भी कैंडिडेट्स इस पैनल से बिलोंग करते हो या इस जोन से बिलोंग करते हो, जिन्होंने यहाँ से फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम दिया था, तो आप ऐसा समझिए कि अब जो पैनल है वो पूरा फुल हो चुका है। जो भी आने वाले वेटिंग लिस्ट में हो सकता है आपका नाम उसमें आए, या पूरा जो फाइनल रिजल्ट है वो तो इन्होंने बता दिया है कि इतने जो कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि अब कट ऑफ भी जारी कर दिया गया, तो इसके आगे कोई औपचारिकता अपने को देखने को नहीं मिल रही है। अब ये हो चुका है, अब आपको मैं बता देता हूँ कैटेगरी नंबर, चलिए 15 ले लेते हैं अपन, कैटेगरी नंबर 15, 668 541, 668 541, 668 और 541। अब कैटेगरी नंबर 15 में आप देखिए 612 और 529,
दोस्तों आप भी इसमें भी देखेंगे कि थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पर भी ज़्यादा तो नहीं बढ़ा है, पर थोड़ा सा कट ऑफ अपने को देखने को मिला है। इसमें भी अप्रॉक्सीमेटली आप समझ सकते हैं कि 40 एक जो मेरिट इंडेक्स है वो बढ़ा है, और यहाँ पर भी 20 एक जो मेरिट इंडेक्स है वो बढ़ा है। और एक और मैं आपको बता देता हूँ, 69 वाला कैटेगरी का ले लेते हैं अपन। 69 में जो है 719, और यहाँ पर देखिए आप 719 देखा अपन ने, और यहाँ पे देखिए 653, अप्रॉक्सीमेटली आप समझ सकते हैं 70 से 80 जो नंबर का मेरिट इंडेक्स है वो बढ़ा है। दोस्तों मैं वन बाय वन पूरे तो नहीं आपको बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खींचा जाएगा, बट छोटी सी एक एक शॉर्ट वीडियो इसलिए मैंने बनाया कि खासकर जो भी कैंडिडेट्स आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंपैरिजन करके देखिए, और आपका जो भी मेरिट इंडेक्स है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपके कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो मैं एज सुन एज पॉसिबल फटाफट आपको उस पर फीडबैक देने की कोशिश करूंगा। आप जानते हैं कि आप मात्र एक पड़ाव दूर है पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी से, तो आप बिल्कुल भी चांस मिस मत कीजिए। दोस्तों मुझे लगा ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है मेरे भाई लोगों के लिए, व्यूवर्स लोगों के लिए, मैंने इसलिए बनाया। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। तो अपना अपना फटाफट मेरिट इंडेक्स और जो कट ऑफ है वो चेक कीजिए। तो आज का वीडियो यहीं रोकते हैं, होप आप सभी को वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो आप सभी को पता है कि क्या करना है, आपका भाई भी इतनी मेहनत कर रहा है, तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि मैं लेटेस्ट वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसा चलेगा, किसी को वो वीडियो मिल ही नहीं पाएगा। तो थैंक यू सो सो मच दोस्तों, अपना खुद का ध्यान रखें, मेहनत करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।